कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। सिंगरौली से बसपा प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने दावा किया कि अगर जनता उन्हें चुनती है तो वो लोगों को बेरोजगारी और प्रदूषण जैसी समस्याओं से निजात दिलवाएंगे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने अपने घोषणा पत्र के बारे में बताते हुए कहा कि अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं विधायक बना तो युवा बेरोजगारों को रोजगार, विस्थापन और प्रदूषण की समस्या से निदान, प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं नगर निगम के वार्डों में गौशाला सहित जिला मुख्यालय में पत्रकार भवन का निर्माण किया जाएगा। विश्वकर्मा ने कहा कि DMF फंड को जिले में खर्च करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम विधायक बने तो सिंगरौली विधानसभा के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। जो सिंगरौली के समस्त मूलभूत सुविधाओं का इसमें जिक्र किया गया है और इसमें सबसे पहले NCL एवं OB कंपनियों में विस्थापित एवं युवाओं का रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी। समस्त झुग्गी बस्तियों को रहवासियों को पट्टा एवं मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। हर पंचायतों में 20 करोड़ तक की विकास कार्य कराया जाएगा। NTPC एवं NCL के विस्थापितों को आवास प्लाट आवंटित कराया जाएगा। हर पंचायत एवं वार्डों में स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं निर्माण कराया जाएगा। आवारा पशुओं के संरक्षण हेतु समस्त ग्राम पंचायतों में गौशाला निर्माण कराया जाएगा। भारी वाहन से हो रही दुर्घटना जान गंवाने वाले मृतकों को पीड़ित परिवारों को 25 लाख तक की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। समस्त कंपनियों का DMF एवं CSR का पैसा सिंगरौली विधानसभा के विकास कार्यों में उपलब्ध किया जाएगा। NTPC एवं रिलायंस के 8 किलोमीटर क्षेत्र में नो प्रॉफिट नो लॉस में बिजली दी जाएगी। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी एवं अन्य महत्वपूर्ण खेल के खिलाड़ियों को बेहतर सुविधा के साथ साथ मैदान एवं खेल सामग्री कराई जाएगी। राष्ट्र एवं राष्ट्रीय स्तर के मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को 50,000 लेके 1,00,000 तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। NTPC में जो विस्थापितों की समितियां बंद है उन्हें चालू करवाकर नए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। नारी शक्ति से MP शक्तिशाली। कांग्रेस सरकार में महिलाओं को मिलेगा 1500 रुपए प्रति माह, 500 में गैस सिलेंडर, हर बेटी के जन्म पर 2,51,000, शादी पर 1,01,000 का अनुदान। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। कांग्रेस सरकार में 2,00,000 खाली पदों पर भर्ती, 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता, 1,500 रुपए प्रति माह हर स्कूली बच्चे को और हर विधानसभा में अंग्रेजी नवोदय विद्यालय। बढ़ाइए हाथ कांग्रेस के साथ, फिर कमलनाथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।